हेलो एवरीवन, आपका पूर्वांचल तड़का में स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पाइनएप्पल का रायता। इसे बनाना बहुत ही इजी है, ये झटपट 5 मिनट्स में बन जाता है। इस रायते को हम बिरयानी, जीरा राइस या सिंपल रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही क्विकली बनने वाला रेसिपी है ये। आपके गेस्ट कभी भी आएँ, आप इसे झटपट तैयार करके उनके सामने पेश कर सकते हैं। और ज़रा हटके भी रायता होगा ये, जिसे देखकर लोग खुश हो जाएंगे। इसे बनाने के लिए जो सामान लगेगा वो हम चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें यूज़ होगा। बेसिकली इसमें जो सामान यूज़ होने वाला है वो है दही, चॉप्ड पाइनएप्पल, हरी मिर्च, हरी धनिया, शक्कर, भुने हुए जीरे का पाउडर, काला नमक और सादा नमक, ये भी आगे जाके हम यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इकट्ठा करके रखे हुए हैं। अब हमें सिंपली इसको एक बाउल में डाल के मिक्स करना है। कोई हार्ड वर्क नहीं है, बहुत ही झटपट बनने वाला रेसिपी है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, शक्कर और नमक का टेस्ट आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट करिएगा। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिस पे आपको मिक्स करना है। फिर उसमें दही डालेंगे, दही को अच्छे से मिक्स करेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल को आपको बारीक कर लेना है। ये पाइनएप्पल गया। ये हरी मिर्च गई, बारीक कटी हुई हरी मिर्च है ये। काला नमक डाला मैंने, जीरा पाउडर, थोड़ी सी शक्कर स्वाद अनुसार। शक्कर यहाँ खटास और मिठास को बैलेंस करेगा। और हरी धनिया, अब इसे अच्छे से आपको चला लेना है, मिक्स करना है। ये अच्छी तरह आप चला लें इसे। अब इसमें थोड़ा सा सादा नमक और डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक है ये। भी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमारा पाइनएप्पल का रायता खाने के लिए एकदम रेडी है। आप इसे चिल करके खाइए फ्रिज में, या जब भी आपको खाना हो तुरंत आप इसे बनाइए और गेस्ट के सामने, अपने सामने, फैमिली के सामने सर्व करिए और एंजॉय करिए ये हटके रायता। ये देखिए मैंने प्रेजेंटेशन कर दिया है, अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूर्वांचल तड़का।